देशों की वीडियो के क्रम में आज बात करेंगे दुबई के 10 ऐसे अजीबोगरीब कानूनों की जो इस्लाम के लिए बहुत मायने रखते हैं और वहां के कानूनों को न तोड़ने के लिए लगातार चेतावनी भी दी जाती है। दुबई में जॉब करके मोटा पैसा कमाने का सपना संजोए बैठे भारतीय लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पर आता है पासपोर्ट की कमियां। आप दुबई में कामकाज के लिए या फिर घूमने फिरने के इरादे से पहुंच गए हैं और आपके पासपोर्ट में किसी भी तरह की गलत जानकारी है तो समझिए आपको कोई नहीं बचा सकता है। दुबई के कड़े कानूनी नियमों और उनकी पालना में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। कड़ी पूछताछ की यातना तो आम बात है, कभी कभी तो जेल की सलाखों का तोहफा भी मिल सकता है। इसलिए हमारी आपसे सलाह है कि दुबई जाने से पहले अपने पासपोर्ट को ठीक तरह से चेक कर लें। नंबर दो पर आता है वादा तोड़ने पर भी जेल। अमूमन दुनिया के देशों में वादा तोड़ने पर खास प्रतिक्रिया नहीं होती है, कम से कम कानूनी कार्यवाही तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन दुबई में पैसे देने का वादा करना और उसे तोड़ देना सलाखों के पीछे भेज सकता है। अगर आपने किसी को चेक दिया और वह बाउंस हो गया तो इसे वहां सामान्य बात नहीं माना जाएगा, आपको इस जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल हो सकती है और जब तक आप कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक आपको दुबई में ही रहना पड़ेगा। नंबर तीन पर आता है आपकी छोटी सी गलती करा सकती है आपकी जेब ढीली। दुबई दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित और साफ सुथरे शहरों में से एक है। यह शहर इसलिए साफ सुथरा नहीं है कि यहाँ सफाई कर्मचारियों की भरमार है, इसका कारण है वहां के कड़े नियम। आपको यहाँ वहां थूकना और गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। यह सिर्फ नियम की बात नहीं है, यहाँ नियमों का पालन करवाने में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाती है। ये तो भूल कर कभी भी ना करें, कई देशों में धार्मिक आधार पर शराब का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित है। हालांकि दुबई में शराब कानूनी तौर पर आसानी से मिल जाती है, आपको दिक्कत यह हो सकती है कि अगर आपने अधिकृत स्थानों की बजाय कहीं और शराब का सेवन किया तो जुर्माना और चेतावनी दोनों साथ मिलेंगी। दुबई में केवल होटल्स, रेस्टोरेंट और बार्स में ही शराब परोसी जाती है, वो भी तय लाइसेंस के जरिए। दुबई में अपने घर में ही अल्कोहल रखने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है, लिकर लाइसेंस के बिना अपने घर में शराब पीने तक की इजाजत नहीं होती है। नंबर पांच पर आता है संडे की नहीं मिलती छुट्टी। दुबई में संयुक्त अरब अमीरात का हॉलीडे कैलेंडर लागू होता है, इसलिए यहाँ शुक्रवार और शनिवार के दिन सार्वजनिक अवकाश होता है, मतलब साफ है कि रविवार को आपको काम पर जाना होता है। हालांकि आप अपनी कंपनी से एडजस्टमेंट करके अपनी छुट्टियां तय कर सकते हैं। साथ ही यह भी जान लें कि यहाँ पर ऑफिस में 8 से 9 घंटे काम करना होता है। अमूमन प्रवासियों को यहाँ साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाती है। कैमरा हर वक्त रहेगा आपके पीछे। यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए रहते हैं, पुलिसकर्मी कम और कैमरों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग यहाँ तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते नजर आएंगे, लेकिन इस दौरान थोड़ी सी गलती भारी पड़ जाती है। मुड़ते समय स्पीड लिमिट चेंज होते हुए और उतार चढ़ाव वाले रास्तों पर आपको फाइन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिससे पहले आप स्पीड लिमिट के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले तो आपका चालान किया जा चुका होगा और चालान भरने तक तो आपकी गाड़ी को जब्त किया जा चुका होगा। नंबर सात पर है खुल्लम खुल्ला प्यार पड़ जाता है भारी। दुबई में खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार करना आपको भारी पड़ सकता है। दुबई के नियमों के अनुसार आपको सार्वजनिक रूप से प्यार का इजहार जैसे किस करना और गले लगने की सख्त मनाही है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार होने के अलावा दुबई से आपको निकाला भी जा सकता है। हालांकि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शादी से पहले खुलेआम हाथ पकड़कर चलने और किस करते हुए पकड़े जाने पर भी जेल हो सकती है। शादी से पहले नहीं बना सकते संबंध। अगर आप दुबई में हैं और अविवाहित हैं तो आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। साथ ही अगर आप अपने देश में अपने पार्टनर के साथ सालों से रह रहे हैं और उसके बाद दुबई जाते हैं तो भी आपको कानूनी रूप से साथ में नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बावजूद भी आपने बिना शादी के पार्टनर के साथ रूम शेयर किया है तो आपको जेल में डाला जा सकता है। नंबर 9 पर है ऐसा मजा कहीं और कहां।
यहाँ पर काम करना इसलिए ज्यादा लोगों की चाहत बन जाता है क्योंकि यहाँ आपकी आमदनी पर किसी तरह का पर्सनल और इनकम टैक्स नहीं है, ना ही कोई टैक्स फार्म है और ना ही कोई क्लेम करने का झंझट। मतलब साफ है, जितना आपने कमाया वो सब सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत है। नंबर 10 पर है, कमाओ और अपनों को भेजो। दुबई में आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, यह तो आप जान ही गए हैं। आप अपने कमाए हुए पैसों को सीधे अपने देश में अपनों को बिना किसी टैक्स के भेज सकते हैं। आप भारतीय हैं और अपनी कमाई घर भेजना चाहते हैं तो आपको बस मनी ट्रांसफर फीस चुकानी होती है। इस फीस से भी आप बच सकते हैं अगर आपने सही बैंक चुना है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।